हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज 3.4 से है, चैप्टर 3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो इसमें कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स एंड फाइंड द नंबर। तो यहाँ टू डिजिट नंबर की बात की गई है। जब ऐसे कोई सवाल आता है, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि टू डिजिट नंबर मान लीजिए 25 है और इसको अगर मैं देखूँ 20+5 इसको लिखा जा सकता है, और या फर्दर मैं कहूँ 2×10+5 भी लिख सकते हैं, तो आप देखोगे कि 2 जो है हमारा टेंस प्लेस पर है और वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वंस प्लेस पर हमारा 5 है तो मल्टीप्लाई ना भी करें तो ये 5 ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो पता नहीं है कि वो नंबर है कौन सा, तो इस वजह से हम वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पर कुछ ना कुछ हम सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे इस सवाल को लेकर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स। तो मैंने मान लिया है कि जो टेंस प्लेस पर डिजिट है वो एक्स है, एंड द डिजिट एट वंस प्लेस बी वाई, ठीक है। सो जो नंबर होगा इसके हिसाब से द नंबर बिकम्स, तो नंबर क्या हो जाएगा, देखिए टेंस प्लेस पर मैंने एक्स को माना है तो 10×x करना पड़ेगा, प्लस वाई जो है वंस प्लेस पर है, तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर हो गया है वो 10x+y होगा, है ना। अब ये कहते हैं कि सम ऑफ द टू डिजिट इज 9, ठीक है। तो ये वाली बात तो एज इट इज यहाँ पे लिखी जा सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 25 मैंने लिखा और एक 2 है एक 5 है, तो इनका सम ऑफ द डिजिट हम 7 ही तो कहेंगे। अब क्योंकि हमें पता नहीं है कि वंस और टेंस पे क्या है, इस वजह से मैं, क्योंकि मैंने वंस और टेंस को तो एक्स और वाई माना है, तो इनका सम 9 के बराबर होगा। ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई जो बात है। एंड अब दूसरी इक्वेशन हमें देखनी है। तो दूसरी में कहा गया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये जो नंबर आया है हमारा, इसके 9 टाइम्स इज मतलब वो हो जाएगा बराबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी जिसको हमने एक्स पर माना हुआ है वो अब वंस पे चला जाएगा, और जो हमारा वंस प्लेस पर है वो हमारा टेंस पे चला जाएगा, यानी ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो ये हो जाएगा 10y+x, है ना, रिवर्स करवा कर। तो ये हमारा नंबर बन गया, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं हम कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कौन सा नंबर हमारा, ये जो ओरिजिनल नंबर था इसके 9 टाइम्स इज मतलब इक्वल टू हो जाता है, वो 2 गुना हो जाता है रिवर्स करवा कर जो नंबर आता है, यानी रिवर्स करवा के हमारे पास 10y+x आया है, तो इस ये हो जाता है 2 गुना, वो भी इस वाले नंबर के जो हमारा ओरिजिनल था, ठीक है। तो अगर हम फर्दर इसको सॉल्व कर लें तो 9 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 90x 9y लिखा जाएगा, इसी तरीके से 20y+2x लिखा जाएगा। फिर जब हम एक तरफ ले आए अगर इन दोनों को, तो 90x और 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस 9y और इसको मैं इधर लेके आऊं तो ये हो जाएगा माइनस का 20, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि दोनों ट्रांसपोज हो चुके हैं, तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो 90 माइनस 2 ये हो जाएगा 88, और x और 20 में से 9 जाएंगे तो जाहिर सी बात है माइनस का बचेगा, क्योंकि 20 जो है बड़ा है, तो 11 बचेगा यहाँ पे माइनस होके इक्वल टू 0। और फर्दर अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ 11 कॉमन किया जा सकता है, तो अंदर आ जाएगा 8x, और यहाँ पे 11 जा चुका है तो y बचेगा सिर्फ, और ये जो 11 मल्टीप्लीकेशन में गया है
ये इधर आकर डिवाइड में जाएगा जीरो के साथ, और क्योंकि जीरो के साथ तो कोई पंगा नहीं लेता, इसलिए यहाँ हमारे पास दूसरी इक्वेशन मिल चुकी है 8x - y = 0। अब हमें करना क्या है, हमारे पास जो पहली इक्वेशन आई थी x + y = 9 है ना, जो पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन हमने निकाल ली है, तो अब हम एलिमिनेट करेंगे। आप देखोगे एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी एक वेरिएबल को कोफिशिएंट के साथ हम उसको सेम करवाते हैं। यहाँ वाई जो है ऑलरेडी सेम नज़र आ रहा है, भले ही इनके सिंबल जो है अलग हो, तो हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं क्या कैसे करते हैं एलिमिनेट, 8x - y और x + y = 9 इस तरह से लिख दिया जाता है। अब यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाई जो है उनके सिंबल ऑलरेडी पहले से अलग हैं, तो इनको जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 8x + 1x ये हो जाएगा 9x और 0 + 9 9 ही होता है। और यहाँ हम इसको सॉल्व करें तो 9 / 9 = हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 8 यानी 1, और इसको हम पुट कर देंगे इस पहली इक्वेशन के अंदर, पुट x इन इक्वेशन 1, तो x + y = 9 है, तो 1 + y = 9 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 9 - 1 = 8 है ना। तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर आएगा, देयरफॉर द नंबर इज, या तो हमारा 10x + y के हिसाब से हमारा जो आएगा 10, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 8, तो 10 + 1 = 18, या तो नंबर हमारा होगा 18, या फिर जो रिवर्स करवा के हमने लेके आए थे, रिवर्स करवा कर इसके अंदर हम पुट करें तो 10 × 8 + 1, तो 10 = 80 + 1 = 81। तो हमारे पास ये दो नंबर हो सकते हैं, या तो नंबर हमारा 18 होगा या 81 होगा अगर रिवर्स वाला पूछा जाए तो। ये दोनों ही हमारे जवाब हो जाएंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा कैसे इस सवाल को किया गया। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को लेकर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।